अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे हार्ट पफ्स, जिसको आप लोग जैम हर्ट्स भी कह सकते हैं। उसको बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 4 कप मैदा, जिसको मैं सिफ्ट करूँगी। उसके अलावा मैंने लिए हैं 2 अंडे, जो रूम टेम्परेचर पर हैं। उसी के साथ ही मैंने लिया है 1/2 कप मिल्क पाउडर, और साथ ही मैंने लिया है 3 टेबल स्पून मेल्टेड बटर। उसके साथ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून यीस्ट, और 5 टेबल स्पून्स मैं शुगर लूँगी। उसी के साथ ही हम लेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट का, जो कि हसबे ज़ायका भी आप ले सकते हैं। उसके साथ ही हम लेंगे वनीला एक्सट्रैक्ट, जो मैं यूज़ करूँगी 1 टीस्पून। तो सबसे पहले हम लोग एक बोल लेंगे, उसके अंदर हम अपने सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैदा डालेंगे और उसको हम लोग सिफ्ट कर लेंगे। तो चलिए हम इसमें मैदा डालते हैं और अब हम इसे सिफ्ट कर लेंगे। तो छन्नी की मदद से हम इसे सिफ्ट करेंगे। इससे क्या होता है कि जो मैदा है उसमें एयर बबल्स आ जाएंगे। तो उसी के साथ ही हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, और जितने भी हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे हम ऐड करेंगे। साथ ही 5 टेबल स्पून जो शुगर हमने ली थी, चीनी ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें यीस्ट ऐड करेंगे, खमीर। उसके साथ ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे और इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने रूम टेम्परेचर पे अंडे लिए थे, उसको डालेंगे। एक एक करके हम डालेंगे, पहले एक डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे, और फिर दूसरा डालेंगे, उसको भी हम मिक्स कर लेंगे। डोनट्स और जो ये जो हार्ट्स हम बना रहे हैं, इसकी जो डो होती है वो काफ़ी पतली और सॉफ्ट बनेगी। तो अब हम इसे गूंद लेंगे और हमें सॉफ्ट डो बनानी है। इसी के साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे मेल्टेड बटर जो हमने लिया था, उसको ऐड करेंगे, और इसी के साथ ही हम ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून जो हमने वनीला एसेंस लेना था हम वो ऐड करेंगे, और इसे गूंद लेंगे। तो अब हम नीम गर्म पानी लेंगे और उससे अपनी जो डो है उससे गूंद देंगे अच्छे तरीके से। हमें अपनी डो को जो है गूंदना है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि मैं किस तरीके से अपनी जो डो है उसको गूंद रही हूँ। और याद रखिएगा, हमें थोड़ी सी सॉफ्ट डो बनानी है। तो वनीला एसेंस और मेल्टेड बटर ऐड करने के बाद हम नीम गर्म पानी लेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम गूंदेंगे। इसकी सॉफ्ट सी हमें डो बनानी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी जो डो है वो किस तरीके से बनेगी और किस तरीके की वो दिखेगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसे गूंदना है। तो आप देख सकते हैं हमारी डो जो है वो सॉफ्ट सी गूंद गई है। जो ये डो होती है जिससे हम डोनट्स प्रिपेयर करते हैं, ये वही सेम डो है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, आप याद रखिएगा। ये इतनी ज़्यादा चिपकती है हाथों में, ऐसी ही बनानी है। साथ ही आप इस तरीके के हार्ट के शेप्स ले सकते हैं जिससे आप शेप करें। तो 6 घंटे के लिए हमने अपनी डो को रखा था, क्योंकि जो हमारी डो है यहाँ पर सर्दी है, इसलिए हमने 6 आवर्स के लिए रखा था। अगर गर्मी है तो आप 3 आवर्स के लिए रखें। और आप देख सकते हैं हमारी डो जो है वो अच्छे से राइस हो गई है। अब हम इसे पंच करेंगे, और ये मैंने मैदा लिया है 1/2 कप, जिससे मैं इसको डस्ट वगैरह करके इसे फ्लैट ब्रेड बनाऊँगी। तो जो हमारी डो है उसकी एक हम फ्लैट सी ब्रेड बनाएंगे, यानी कि हम इसकी एक रोटी बनाएंगे मैदे का डस्ट करके, इस तरीके से हम बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें अपनी डो को जो है हार्ट शेप के कटर से हम अपनी डो को जो है शेप देंगे। आप कोई भी शेप ले सकते हैं और उसे कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हम हार्ट के शेप्स में से काटेंगे। आपकी मर्ज़ी है कि आप छोटे हार्ट्स काटें, बड़े, जिस तरीके से अभी आप बनाना चाहते हैं। तो हम इस तरीके से काटेंगे, और ये जो डो होगी बची हुई उसको फिर से हम उसका रोटी बनाएंगे, और फिर से उस रोटी के हम इस तरह के हार्ट शेप्स बना लेंगे। तो अब इस हार्ट शेप्स को हम लेंगे और इसको हम लोग एक प्लेट में रखेंगे, और प्लेट में रखने के बाद हम इसे प्री हीटेड माइक्रो ओवन में डालेंगे, या प्री हीटेड ओवन में डालेंगे। अगर आप ओवन में डालेंगे तो उसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप 15 मिनट के लिए गर्म कर लेंगे प्री हीट, और फिर उसमें सिर्फ राइज होने के लिए रख देंगे अपने
हार्ट्स को। हम इस ओवन में अपने जो हार्ट्स हमने बनाए थे उसको प्री हीटेड ओवन में रख देंगे। ये ओवन जो है वो प्री हीटेड है 15 मिनट से, तो ओवन जो है वो बंद है, याद रखिएगा। हम सिर्फ राइस करने के लिए इसको अंदर रखेंगे। तो जो हमारे हार्ट्स थे वो उसको हमने प्री हीटेड ओवन में 10 मिनट्स के लिए हमने उसे प्री हीट कर लिया है। ओवन जो है हमारा बंद था, तो जो हमारे हार्ट्स हैं वो 10 मिनट्स के लिए ओवन में थे, उससे गर्माइश से वो थोड़े से राइज हो गए हैं। तो अब हमने एक पॉट लिया है जिसके अंदर हम 1.5 कप जो है ऑयल डालेंगे और उसको हम तेज़ गर्म कर लेंगे हाई फ्लेम पर, और फिर जो फ्लेम है उसको हम हल्का कर देंगे यानी कि दरमियानी आँच पे कर देंगे, और उसके अंदर जो हमारे हार्ट्स जो राइज हो गए हैं उसको फ्राई करेंगे। हम इसको डीप फ्राई करेंगे और आप देख सकते हैं वीडियो में मैं किस तरीके से फ्राई कर रही हूँ जो हार्ट्स हैं। और जब वो गोल्डनिश ब्राउन हो जाएंगे तो हम उसको टर्न कर देंगे। पहले एक साइड से हम अच्छे तरीके से उसे कुक करेंगे, फिर दूसरी साइड पे हम उसे कुक करेंगे अच्छे तरीके से, और जब वो गोल्डनिश ब्राउन हो जाए और अच्छे से कुक हो जाए तो आप उसे पेपर टॉवल पे निकाल लें या प्लेट में किसी चीज़ में भी निकाल लें उसे, और उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। तो आप देख सकते हैं हमारे जो हार्ट्स हैं वो उसे हमने निकाल लिया है। इसी तरीके से दूसरा बैच भी फ्राई करेंगे हम लोग सेम वे में, तो उसे भी हम फिर निकाल लेंगे। तो जो हार्ट्स आप देख सकते हैं हमने जो है डीप फ्राई कर लिए हैं, आप देख सकते हैं कैसे बने हैं। तो अब जो सॉस मैंने आपको बनानी सिखाई थी, ये जो है ग्लेज है, ये होममेड ग्लेज है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की मैंने बनाई है। तो इसके अंदर हम इसको डिप करेंगे इस तरीके से और इसको प्लेट पे रखते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे लग रहे हैं सॉस में डिप होने के बाद। हमें बिल्कुल इसी तरीके से इसको सॉस में डिप करना है। और इस सॉस की रेसिपी आपके पास होगी, मैंने चैनल पे डाली है। तो तैयार है हमारे मज़ेदार हार्ट पफ्स, या आप इसे जैम हार्ट भी कह सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और बच्चों को काफ़ी ये चीज़ें पसंद आएंगी। तो इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।